और 13वें वर्ष का दादा अज्ञातवास मिला। थोड़ा माइक, 13वें वर्ष का अज्ञातवास जब राजा कमलनयन के यहाँ काट रहे थे, और द्रौपदी जो रानी थी कभी, आज वो बांदी बन के शैलेंद्री बन के रह रही है, कीचक पापी। राजा कमलनयन का साला था। एक दिन शैलेंद्री को द्रौपदी को देखता है, भाई साहब उठ के कहाँ जा रहे हो, रागनी पड़ेगा, जबकि तुम्हें मेरी सौगंध, जाओगे नहीं इस पर्दे के नीचे आ जाओ, थोड़ी देर का कार्यक्रम बचा। आप सबसे इसलिए कह रहा हूँ, तुम मेरे अपने हो और अपनों के बीच में जोर चलता है, मेरे में बनावट होती तो 2 ही बजे जय बोल के सच्चे दरबार की कर देता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चल रहा है, कोशिश करूँगा 3 पूरे बजे, और फिर आप कृपा कर देना, क्योंकि दिन में भी ढोल की पीटनी है और एक नेता चुनाव लड़ रहा है, उसकी मैं निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा हूँ। कोशिश है एक समाज का बंदा अब की बार शायद विधायक बन जाए, समझ रहे होंगे आप। आइए, कीचक पापी की जब नजर पड़ गई तो द्रौपदी का यानी कि शैलेंद्री का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तू इन गंधर्वों के साथ रह रही है, तू तो मेरे लायक है, मेरी कुटिया में चल। शैलेंद्री ने झटका मार के हाथ छुड़ाया तो कीचक ने जोरदार लात मारी, जगदीश ऐसे मारी थी, और जब लात मारी और ये कहा कि या तो आज रात को मेरी मढ़ी पे, मेरी कुटिया पे, यानी कि मेरे महल में आ जाना, वरना तुझे बर्बाद कर दूंगा, मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। उस लात को सहन करके द्रौपदी सुदेशना के महल में जा रही थी वापस, खून के आंसू आ रहे थे। बीच में भीम बली का रसोईया घर पड़ता है, जैसे ही वो रसोईया घर देखा, द्रौपदी रुक जाती है, दरवाजे को खटखटाने लगती है। शायद आपके क्षेत्र में ये रागनी हमने पहले कभी नहीं गाई, इसलिए चौधरी साहब नई रागनी सुना रहे हैं। तो यहाँ पे भीमबली के और द्रौपदी के सवाल जवाब हो रहे हैं। द्रौपदी का रोल करेंगी मैडम मन्नू तंवर, और मजबूरी में मेरा शरीर तो इजाजत नहीं देता, पर भीमबली का रोल निभाऊंगा मैं, पर हंसो मत, पूरी ताकत के साथ निभाऊंगा। सुनिए रागनी में, इसलिए थोड़ा सा आराम करना चाहिए। गाने नहीं, दरवाजा खोल, तुझे जगाने के लिए गाना गाया है मैंने। रात को 2:15 बज रहे हैं और 3:36 से पहले मैं दरवाजा खोलता नहीं। रात को आई हूं मैं और दरवाजा खटखटा रही हूं, दरवाजा खोल। यानी कि तू कोई महिला है? हाँ हाँ, महिला ही हूँ। महिलाओं के लिए मेरे दरवाजे बिल्कुल बंद हैं। मैं किसी और की महिला नहीं हूँ, तेरी महिला हूँ, दरवाजा खोल। आज बड़े दिनों के बाद, बड़े दिन के बाद मिर्जापुर में चूल्हे की रोटी मिली है, थोड़ी नींद आ रही है, सोलन दे 2-3 घंटे फिर दरवाजा खुलेगा। खाने से मतलब, सोने से मतलब? अरे ओ रसोईया, दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे, ना तो तोड़ दूंगी। अगर दरवाजे को नहीं खोलूं तो तोड़ दूंगी। चल तो तू दरवाजा ही तोड़ के दिखा दे। चलो मनू भैया, तोड़वाओ, तोड़ दिया, आजा बाहर, वरना एक बार और तोड़ दूंगी मैं, तोड़ दूं, चौखट भी उड़ा दे। ये एक और बस। सुनील करंट बन रहो, कब कम है को? कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था, कहीं सीरियस ले जाओ, पहले तो तुझे देखूंगा। हाँ, अरे नन्ने जिन्ने दरवाजे तुरवाए ना दीपावली वाले दिन, सुबह इन्हें देखूंगा। नया लगवा देंगे गेट। इधर आ। आ गई पांचाली, तू यहाँ क्यों आई है? धीरे धीरे बात क्यों कर रहा है, जोर से बोल। आराम से बोल, आराम से। क्या तुझे ये नहीं पता कि यहाँ हम छुप के रह रहे हैं, और अगर तू तेज बोलेगी
दीवारों के भी कान होते हैं, इनमें बड़ी चुगली करने वाली बैठी है। बताओ माता बहनों, चुगली कौन कौन करती है? उठा लो हाथ भाई साहब, ताली बजाओ। एक भी नहीं है पूरे, एक है हाथ उठाया ना, वैसे ही कर रही हो। ताली बजवा दिया मैंने तेरे स्टाफ के लिए। अच्छा, बड़ी समझदार है। धन्यवाद, तू भी बड़ी समझदार है। हाँ। लेकिन इनकी पोल खोल दो। खोल दो पोल, चल यो ये काम करेंगे हम। अच्छा माता जी, एक बात बताना, बालाजी महाराज को कौन कौन मानती है? हाथ खड़े करना जरा, थम नहीं मानो के? ए दादी, तू नहीं माने के बालाजी महाराज को? अच्छा, सारी सीधे हाथ कर लो, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे। एक मिनट जरा देना समय। चलो कोई बात नहीं, एक बात और बताओ, अपने पति की जी लंबी उम्र के लिए हाँ एक तारीख को करवा चौथ का व्रत किस किस ने रखा था? उठा लो हाथ, सारी की सारी, सारी पतिव्रता है सारी की सारी। अगला प्रश्न इनसे भी और इनसे भी। हाँ पूछो पूछो। जिन्होंने हाथ खड़े करे उनका धन्यवाद। आपने करवा चौथ का व्रत रखा, तुम्हारे पति की आयु बढ़े 1000 साल हो, पर एक बात और बता दो, बालाजी के दरबार में झूठ मत बोलना। मिर्जापुर में ये जितनी भी माता बहन अब यहां बैठी हैं, हाँ। और जो शादीशुदा हैं, हाँ। और जो दोनों समय अपने पति के पैर दबाती हैं, वो भी हाथ खड़े कर। उठा लो सारी की सारी उठा लो। ये देख कितनी सारी। दादी ने हाथ हला दिया, जो कि बेटा एक भी कर गम, पूरे गम में एक भी नहीं। एक दिन तो दबाओ हो, कल दीप, आज दीपावली है, आज तो दबा लोगी, उठा लो। साल में भी ना, जो गला दबाती है वो उठा लो फिर। भाई मिर्जापुर वालों, तुम्हारे लिए भी धन्यवाद है, बस जैसे तैसे ही काम चल रहा है। सुनील तेरी भी नुह कटेगी? नहीं, सुनील बड़ी आदमी, उसे मत छेड़। अच्छा हाँ, अब सुन। सुना, इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है, तेरे कारण हम दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। पता है मैं तेरे कारण रसोईया का काम करता हूँ। चला आजा, धीरे बोलूंगी, कान में बोलूंगी। हाँ, धीरे धीरे बता। हाँ, इधर कर, जो किसी को सुने नहीं। बता कान कर। क्या बात है, बता बता। तेरा सर रुक जा यार, पर्दा फट गया। आराम से बोली हूं ना, सुन गया होगा, या फिर थोड़ी और आराम से बोलूं? तुम्हारे एक बार फिर से आराम से बोलूं? तुम्हारे लिए भी धन्यवाद, क्योंकि कभी इसने भी पैर नहीं दबाए। इसने इतनी जोर से चिल्लावे, अब होगा सो देखा जाएगा। बता इस समय मेरे पास क्यों आई है, मुझसे क्या चाहती है? तुझसे? हाँ मुझसे। मेरे पे एक मुसीबत आन पड़ी है। तेरे पे तो सदा मुसीबत ही आती है। तेरी मुसीबत सुनील सरपंच काटेगा। काश ये मेरी मुसीबत काट पाते। मेरा कहने का मतलब, सुनील का मतलब धर्मराज युधिष्ठिर। मेरे पास नहीं, युधिष्ठिर के पास जा। युधिष्ठिर के पास? वहां भी जाए आई, कोई बात नहीं। रस्ते में तेरी रसोई मिली, मखा इस तई मिल लू, कुछ कर ले धर ले तो दिखे। कोई गड़बड़ होगी? गड़बड़ नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। बहुत बड़ी? बहुत। चल बता, कोई बात नहीं, समय काफी ज्यादा है, हो सकेगा समाधान करूंगा। आधा सौ, 5:30। राजन का काम है जो समय का। कसम से गावे बहुत जोर का है। मैं बजाती भी बहुत अच्छा हूँ। क्या बजाया करे? वो बताऊंगी बाद में, सुन ले पहले मेरी बात।
अच्छा पेट भरे आज। हाँ चूल्हे की रोटी खाई है तने। एलो तेरा लाज शर्म का ख्याल नहीं, अरे घूंट सबर की तू तो घूंट सबर की भर पंचाली अभी कटिया तेरवा साल पानी तो ला दे। लाऊ सुनील जल्दी ले गया। ए? ला, ला बेटे बोतल में चलो जाए हमें ढूंढ जा घुस जा यही में। सुनील के डर तो देसी को। माता जी इतनी भयंकर लुगाई तुमने देखी है जो अपने घर वाले को ऐसे धक्का देती हो? शर्म कर ले शर्म। ये तो खुद मेरी जैसी भयंकर थी जब ही तो दांत तुड़वा रखे याने। अच्छा अब क्या कहियो? डूब मरे तुम लज मारे रे, डूब मरे तुम लज मारे रे, दिल में तपी मलाल नहीं। बब्बर शेर बब्बर शेर बब्बर शेर खिरिया पिंजरे पर ये गोरी खाल नहीं। भूत सबर की पर पंचाली हत्या तेरवा साल नहीं। हमारे भाई सुनील सरपंच जी गांव का नाम भूल गए सब। हल्दीना 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 जी हल्दीना। अच्छा हल्दी के नाम पे याद रहेगा। हाँ हल्दीना जी यानी कि हल्दी है। है भाई सुनील सरपंच जी हल्दीना। एक काम कर जी सुनील सरपंच के 50 रुपया ले और मोह सोने दे और तू निकल निकल। यानी कि तेरे कीचक ने हाँ कुछ कह दिया है तुझे। अरे कहा नहीं है लात मारी वो भी मेरी कमर में। देख मैं जब भी तो टेढ़ी टेढ़ी चलूं। समझदार आदमी का काम फिर भी यही है दादाजी। बुरे वक्त में फिर भी मेरा यही कहूंगा कि चुप लगा जा। अच्छा हाँ चुप लगा चुपचाप सहन कर जा। अच्छा चुपचाप ही सहन कर जाऊं। हाँ
सहन कर जा। अच्छा जी, एक बात बताइयो भाई, थारी बहुआ कोई छेड़ दे हैं, तुम चुप लगा के काम चला जाओगे? देखो ऐसा मर्द ही, चुप लगा जा चुप। ये थोड़ी ना कहोगे छिड़ ले कोई छेड़े तो छिड़ ले, ये तो ऐसा आदमी चुप लगा जा कर ले। तेरे लात मारी है? हाँ। तो कोई छोटी मोटी लात मार दी होगी फिर भी सहन कर। रुक बेटे, एक बार इधर आइयो। क्यों? आ तो सही। क्यों? आ तो सही। अरे क्यों? इधर हो जरा। क्यों? अरे मार के दिखाओ कितनी जोर तुम्हारी लात। इधर मेरा लात मारेगी? और मार के तो दिखाओ दर्द कितना होता है। तेरे ज्यादा जोर से लात मारी है क्या? देख आए मेरी तो टूट गई। देख कुंभड़ निकली आई। अच्छा तू रो रही है या हंस रही है? दोनों ही काम, अंदर ही अंदर रो रही बाहर ते हंस रही। अच्छा तुम पर रोना नहीं आता हो तो अंदर अंदर ऐसे रोया जाता, सीख लो। फिर भी कोई क्या? बात नहीं, हिम्मत से काम ले, बुरा वक्त है। अच्छा सज्जन बैठे मेरे बारे में और मेरे भाइयों के बारे में क्या क्या उफान तूफान बोल रही है तू? तेरे भाई वो भाई कहलाने लायक है आथू। हम पांचों भाई एक से एक बढ़ के बलवान है। बताती हूँ एक से एक बढ़ के। हकीकत सुन ले, एक सबसे बड़ा जिसे तुम कहते हो धर्मराज युधिष्ठिर। हाँ, न्यू कहे धर्मराज युधिष्ठिर कहे उसे। अरे वो धर्मराज राम कुछ नहीं है, और एक नंबर का जुआरी है जो सारे दिन जुए के दाव लगाता रहता है, जिसने मुझे भी दाव पे लगा दिया। और उससे छोटा तू, तुझे बस एक ही काम आता है। क्या? तेरा नाम है रसोईया, तू दाल में तड़का लगाए जा और आराम करे जा बेटे। रसोईया नहीं, भीम पली। पली वली कुछ भी ना है बेटा, तेरी बली खली सारी खराब बली खत्म। और तीसरा? हाँ कौन तीसरा? मेरा भाई अर्जुन। हाँ हाँ हिजड़ा। आए आए वो दुनिया का श्रेष्ठ धनुर्धर है, श्रेष्ठ बेटे वो नोए नोए करे, नोए 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 अड़े तई तीर मारे आजकल वो। अच्छा जी। हाँ और लास्ट बची वो दो, चवन्नी और अठन्नी। चवन्नी अठन्नी ने नकुल सहदेव, जो गधे घोड़ों की लीद साफ करे जा बस, और कुछ भी ना है उनके दो रहे। भाई साहब बेइज्जती करने में पांचों भाई की कोई कसर नहीं छोड़ी है। तारीफ पूरी डायन। सुन सुना, अब आ गया मुझे गुस्सा। तो फिर क्या कर देगा? अब तक तो मैं कीचक को मार देता, लेकिन अब
अब ना कहने का कुछ भी, इतनी सी भी बात नहीं कहने का। तेरे बस की नहीं है, तेरे बस की भी ना है कुछ भी। बस की तो बहुत कुछ है, पर अब ना कहने का कीचक था कुछ। तेरे बस की ना है कुछ भी, तेरे कुछ भी बस की ना है। तू एक काम कर, तू एक काम कर, मैं और सुनील सरपंच हम वो कर सकते हैं जो दुनिया पर किसी पर नहीं हुआ। हाँ, इसका भी काम करवाऊंगी, इसका भी हाथ इसे लायक हो रहा है। एक काम कर भाई, सुनील सरपंच फिर से 50 रुपए से मान सम्मान करते हैं। हाँ। हल्दी ना, हल्दी ना, या फिर हल्दी का, हल्दी ना, हल्दी ना, गांव का नाम हल्दी ना, मतलब इस पे हल्दी नहीं है, है अच्छा है, हल्दी है मलेगा, अच्छा फिर घोड़ी चढ़ेगा। हाथ दियो अपना इवरी, क्यों क्या करेगी, दे तो सही। वैसे हाथ तो धीरे कर, आराम कर, एक काम कर, ये चूड़ी पहन पहन, तेरा कुछ बस की ना है, मेरा बदला मैं अपने आप ले लूंगी, तू ये चूड़ी पहन ले और घर में बैठ जा। आज तो पूरे 100 नंबर आ रहे हैं हर बात में, हैं कमाल कर रखा है तने, पहन ले। पांचों भाइयों के नाक में एक तो है वो, दूसरा तू भी हो जा। कहते हैं ना, उजड़े हुए घर ने भी कदे कदे बसा लुगाई दे, उजड़े हुए घर ने भी कदे कदे तो बसा लुगाई दे, रोते हुए आदमी ने भी भाई साहब कदे कदे हंसा लुगाई दे, सौगर देते कितने भी ना लिकड़े ऐसा फंसा लुगाई दे, घोर अंधेरे घर में, घोर अंधेरे घर में दीपक चसा लुगाई दे, और काढ़े ते बिना लिकड़े ऐसा फसा लुगाई दे। अच्छा। वही हाथ तन्ने मारा कर रखा है, मैंने कुछ नहीं किया। पांचों भाई कते ही बैगी 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 भाई, क्या क्या कर देगा तू, क्या कर देगा, क्या है तेरे पास, तेरा कुछ बस की ना है, निकल जा है। चल, मैं अपने बदला अपने आप ले लूंगी, निकल जा यहाँ से। हेलो, अगर इतनी बड़ी छतरी थी तो पहले ही क्यों ना ले लिया। मैंने सोची तुम्हारे भी कुछ देख लूं, तुम में भी कुछ छतरापन है या नहीं। छतरापन, छतरापन तुम्हारी नस नस में है। ओ, लो जी, मिर्जापुर का एक एक नौजवान छतरी है। हाँ हाँ, कुछ ज्यादा छतरियों, तुम्हारे में छतरापन तो अब रहा नहीं। अच्छा, बस छतरी छतरी बाकी रह गई है, और वह भी उड़ जाएगी थोड़े दिन में। कहे सुन ले, जबरन बहू बना लेगा, बना लेगा नहीं, बना लेता। वो कीचक तुझे बहू बनाने की कह रहा था क्या? नहीं, न्यू बता, वो कीचक तुझे बहू बनाने की कह रहा था क्या? अबे बनाने की कह क्या रहा था, बना लेता, वो तो मैं भाग ही आई, तेरे को समझ में नहीं आ रही मोटी बुद्धि क्या? और इतनी देर में मैं क्या करी, घंटा बजा दी। नहीं, तुझे वो बहू बनाने की कह रहा था क्या? बहू ना, बहू बनाने की कह रहा था क्या? ना बुआ बनाओ था, मैंने बुआ। अबे मोटी बुद्धे के कब समझेगा तू? दादा कहीं पे लाठी ना है कोई? हाँ, दे मुझे दो लाठी, यहाँ पे बुझाऊ थोड़ी सी, दो चार। नहीं, कभी कभी दादा ऐसा होता है, एक मिनट, आधी सी मिनट ले लूँ, एक आधा सा चुटकला ज्यादा। मैं कभी गंदे चुटकले नहीं कहता, सामाजिक कहता हूँ। जैसे युवा कतई सिर पे चढ़ रही है ना भाई साहब, दो आदमी थे, एक का नाम था धनीराम और एक का नाम था मनीराम। जो धनीराम था वो बड़ा विद्वान था, पंच आदमी था, और जो मनीराम था वो मूर्ख था, वैसा ही भैंस चराता था। एक दिन मनीराम अपनी घरवाली से आके बोला, जैसे यू ज्यादा बोल रही है, मन के ओ भाई बढ़िया सी मलाई मार के चाय बना के ला, आज मैं शर्त के 100 रुपया जीत गो। वहां की घरवाली ने कही, यू मूर्ख है, यू कौन पे थे 100 रुपया जीत जाएगा। उसने कही, कौन पे थे जीत गए कि धनीराम पे थे, शर्त क्या आई? ने बोले, शर्त ये,
धनी राम तो कह रहा बकरी के दो थन हो। घरवाली बोली तेने का कही, बोले मैंने कही बकरी के तीन थन हो, जट में 100 रुपया जीत गो। घरवाली ने कही निकम्मे तू तो शर्त हार गया, बकरी के तो दो ही थन हो। मनीराम ने कही क्या कही कि बकरी के दो ही थन हो, तू तो शर्त हार गो। भाई साहब वहां ने लेके लाठी और 5-7 दही खेच के, और 5-7 लाठी जब दादी पड़ी जो बोली ओ देवता ओ देवता अब मत मारे, बकरी के तीन ही थन हो। जब वहां ने कही वन की धनी राम भी लाठी ते ही मानो जैसे तू मानियो नहीं, वो भी चलो दो थन बतावे तो तू ऐसे नहीं मानेगी क्या? ना कुछ नहीं कुछ नहीं क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं बोल। अरे कुछ नहीं बोल के तो दिखा। मैं ये पूछ रहा था वो बहू बनाने की कह रहा था क्या? ना बुआ बनाओ था, बहू बनाओ था, वो तो बना गया होता, वो तो मैं छुटके भाग आई, उसने लाते काम कर लिया। वो तुझे बहू बनाना चाह रहा हमारे जीते जी? हाँ। तो ये बात तू पहले बताती, सीधी बताती कि बहू बनाने कह रहा था। लो जी रे मोटी बुद्धि के कुछ तो समझ ले। तो भीम बली तो मोटी बुद्धि का है, मोटी बुद्धि तुझे का खाने के अलावा सोने के अलावा कुछ काम नहीं, थोड़ा दिमाग भी चला लिए कर। 12 वर्ष वनवास हो गए, 13वें वर्ष का ज्ञात वर्ष फिर भी तो 12 वर्ष की भूख निकालेगा तू इसमें डाल डाल के। अच्छा कहती से सुन ले। दुष्ट पापी ने हाँ तेरे साथ ऐसी गंदी हरकत की है हाँ उसने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया, उसने अच्छा नहीं किया, नहीं किया, अपनी मौत को दावत दी है, बता तू क्या चाहती है? मैं ये चाहती हूँ कि सुबह का सूरज वो नहीं देखना चाहिए उसे 1 मिनट में। और अगर वो सुबह का सूरज देख गया तो? अगर वो सुबह का सूरज देख गया तो ये द्रौपदी सुबह का सूरज नहीं देखेगी, आप हत्या करके अपनी जान दे दूंगी, मर जाऊंगी मैं। दादा आड़ो लगकर गिर दियो कतई कि या तो सुबह तक वह मार दे नहीं तो मैं मरूंगी। अब पांचन के बीच में एक दाहो एक और भी तो है पंचाली। हाँ जा, वादा रहा भीम बली का। अच्छा तू तो कल का सूर्योदय देखेगी और ठाट बाट के साथ देखेगी, लेकिन कीचक को कल का सूर्य नहीं देखूंगा, मार दूंगा। वाह बेटे शाबाश, वाह वाह मेरे शेर, वाह। कंधा तो रहेगी, शाबाशी दे रही हूँ, यही मैं कंधा। दादा देख अभी तक तो हिजड़ा वगैरह वगैरह कहा कह रही, अब शाबाश, अब शाबाशी दे रही।
तो अब शाबाशी वाला काम किया है तूने। फिरिया चिलत्तर न जाने कोय, और अगली लाइन बोलो। हाँ हाँ काम देव का कभी